बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम टू माय चैनल, आप देख रहे हैं पमाटो किचन फूड। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार चिकन आलू डोनट्स की रेसिपी, जो कि बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही क्रिस्पी रेसिपी है। उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर पसंद आएगी। पूरी वीडियो देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। तो आइए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मेरे पास 5 आलू थे, उसे मैंने कट कर लिया है, और 200 ग्राम मेरे पास चिकन है। अब हम चिकन और आलू को बॉईल कर लेंगे। तो देखिए, यहाँ पर मेरे आलू बॉईल हो चुके हैं और ठंडे हो चुके हैं। अब हम इसे अच्छी तरीके से आलू को मैश कर लेंगे। तो देखिए, यहाँ पर मैंने आलू को मैश कर लिया है। अब हमने जो चिकन बॉईल की थी, अब हम इसमें ऐड कर लेंगे। अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड कर लेंगे। 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून सूखा धनिया पाउडर, 1 टीस्पून इसमें सॉल्ट ऐड कर लेंगे, 1 टीस्पून इसमें गरम मसाला ऐड कर लेंगे। यहाँ पर मेरे पास 3 ग्रीन चिली थी, उसे मैंने चॉप कर लिया था। अब हम इसमें ऐड कर लेंगे सब्ज़ धनिया ऐड कर लेंगे, 1 टीस्पून इसमें कबाब मसाला ऐड कर लेंगे, आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। अब हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए, यहाँ पर मैंने सारा अच्छी तरीके से चिकन और आलू को मिक्स कर लिया है। अब हम हाथों को अच्छी तरीके से ऑयल से ग्रीस कर लेंगे और थोड़ा सा बैटर ले लेंगे और इसे गोल शेप में बना लेंगे। अब थोड़ा सा हाथों की मदद से प्रेस कर लेंगे। तो देखिए, यहाँ पर आप कोई सा भी गोल शेप का कटर ले सकते हैं। अब हम बीच से कट कर लेंगे और डोनट्स की इसे शेप दे देंगे। देखिए, चिकन आलू डोनट्स हमारे रेडी हो चुके हैं। अब हम चिकन आलू डोनट्स को पहले अंडे में डिप कर लेंगे और फिर ब्रेड क्रम्स में कोट कर लेंगे। तो देखिए, यहाँ पर हमारा ऑयल गरम हो चुका है। अब हम डोनट्स को फ्राई कर लेंगे और हम साथ साथ इसका साइड भी चेंज करते जाएंगे। बहुत ही केयरफुली इसका साइड चेंज करेंगे। तो देखिए, दोनों साइड से अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब हमारे चिकन आलू डोनट्स रेडी हो चुके हैं। अब हम इसे निकाल लेंगे और सर्व कर लेंगे। तो देखिए, ये जितने दिखने में अच्छे लग रहे हैं, इससे कई ज़्यादा खाने में अच्छे लगते हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ईद में या पार्टी वियर में भी आप इसे सर्व कर सकते हैं। आई होप सो आज की रेसिपी भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।